अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ आप लोगों के लिए। तो सोचा आज मैं क्यों ना आप लोगों के लिए चॉकलेट चिप कुकीज़ की रेसिपी लेकर आऊँ, जो बच्चे बड़ों दोनों को पसंद आएगी और इसको बनाना बेहद आसान है। तो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में 100 ग्राम हम घी डाल देंगे मेल्ट करके। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1/2 कप पाउडर शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी। फिर हम डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। फिर हम इसको विस्कर की मदद से थोड़ा सा बीट कर लेंगे अच्छी तरह से। 5 मिनट अच्छी तरह से बीट करने के बाद इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। फिर मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप कोको पाउडर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और इसे विस्कर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएँ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे डो की शेप में लाने के लिए 2 से 3 टेबल स्पून इसमें मैं मिल्क डालूंगी और इसे अच्छी तरह से डो की फॉर्म में ले आएंगे। इसे आटे की तरह नहीं गूंदना, सिर्फ इसको मिक्स करना है। इसमें मैं डालूंगी थोड़े से चॉकलेट चिप्स और इसे मिक्स कर लूंगी इस डो में। देखिए अब इस फॉर्म में हमारी डो आ जाएगी। तो इसे हम एक थैली में कवर करके फ्रीज़र में रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। तक हमारी डो फ्रीज़र में रखी हुई है जब तक हम लोग अपने बाकी काम कर लेते हैं। एक पैन में बटर पेपर लगा के उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। देखिए 1/2 घंटे बाद मैंने इसको फ्रीज़र से निकाल लिया है और ये इस फॉर्म में आ गया है। इसे फ्रीज़र में रखना बहुत ज़रूरी है, इस तरह हमारे बिस्किट जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। देखिए हमारी डो इस फॉर्म में आएगी, आप लोग देखिएगा। देखिए हमारी डो, इसमें और थोड़े से हम लोग चॉकलेट चिप ऐड कर देंगे क्योंकि चॉकलेट चिप कुकी है तो इसमें चॉकलेट चिप ज़्यादा जाएंगे। मैं दोबारा से चॉकलेट चिप डाल रही हूँ। चॉकलेट चिप डाल के डो में अच्छी तरह से चॉकलेट चिप मिक्स कर लेंगे और इस ऑयल हाथों को ग्रीस करके इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना के और उसको प्रेस करके कुकीज़ की शेप में देके इसको रख लेंगे ट्रे में। देखिए इस तरह से हमें बिस्किट बनाने हैं। बिल्कुल आप लोग नीट एंड क्लीन नहीं करिएगा, बस जिस तरह बन रहे बनने दीजिएगा, क्रैक्स आ रहे हैं तो आने दीजिएगा। जब हमारे बिस्किट रेडी हो जाएंगे उसके ऊपर से मैं चॉकलेट चिप लगाऊंगी। अब इसे हम 15 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए हम लोग इसको रख देंगे प्री हीट ओवन में बेकिंग के लिए। देखिए 20 मिनट बाद मैंने अपनी कुकीज़ को निकाल लिया है और ये कितने अच्छे बेक हुए हैं। अब इसे निकाल कर हम लोग ठंडा कर लेंगे, किसी रैक में निकाल के रख लीजिए और इसके बाद हम लोग सर्व कर लेंगे। देखिए 1 कप मैदे से कितने सारे कुकीज़ बन के रेडी हो गए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं और बच्चों को तो बहुत पसंद आएंगे। आप लोग बना के ज़रूर खाइएगा, अपने बच्चों को भी खिलाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।